बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ बैंक। स्टूडेंट्स, देर आर थ्री इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ बैंक एज यू हैव स्टडीड इन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, दैट आर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड थर्ड वन इज प्रोस्पेक्टस। इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन there are the rights, powers and objects of a bank. It is basically the most important legal document which must be submitted to the registrar before the establishment of bank. यानी कि ये वो document होता है जो कि हमने bank बनाने से पहले हमें ज़रूरी registrar को submit करवाना पड़ता है। इसके अंदर जितने भी objectives होते हैं bank के, जितने भी मकासद होते हैं, rights and powers होते हैं, वो सारे mention किए जाते हैं। This is basically a sort of contract between the bank and the other persons outside the bank. तो मेमोरेंडम के अंदर बेसिक कंटेंट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज़ नेम क्लॉज। नेम क्लॉज का मतलब ये होता है कि इसके अंदर सबसे पहले आप बैंक का नेम डिसाइड करते हैं, वो इसके अंदर मेंशन किया जाता है कि और नाम कैसा आप सेलेक्ट करेंगे जो कि डिफ़िकल्ट टू चेंज हो और कोई ऐसा ना हो जिससे किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट होती हों। सेकेंड वन इज़ हेड ऑफिस। इसके अंदर मेंशन किया जाता है कि बैंक का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर होगा, कौन से प्रोविंस और सिटी के अंदर। तो लास्ट में लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर हैव टू रिक्वायर टू चेंज द एड्रेस, इट इज़ रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार विद इन 28 डेज। के 28 डेज के अंदर आपने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होता है इफ़ यू हैव टू चेंज द एड्रेस। थर्ड वन इज़ कैपिटल क्लॉज। इसमें क्या होता है कि जितना भी बैंक का टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल और बाकी शेयर कैपिटल होता है उसकी डिवीजन इनटू शेयर्स और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, वो सारे इसमें मेंशन होते हैं। फोर्थ इज़ ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली लिखा होता है कि बैंक का मकसद क्या है, बैंक फॉर्म करने का पर्पज़ क्या है। सो इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। इन दिस क्लॉज इट इज़ ऑलवेज रिटन दैट व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस द बैंक विल डू। फिफ्थ इज़ लाइबिलिटी क्लॉज। नाउ हियर यू हैव टू मेंशन दैट वेदर द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड और अनलिमिटेड। वी हैव स्टडीड इट अर्लियर कि ये लिमिटेड और अनलिमिटेड में क्या डिफरेंस होता है। लास्ट इज़ एसोसिएशन क्लॉज। इसके अंदर क्या होता है, इट इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट अमंग ऑल द प्रोमोटर्स इन विच दे गिव देयर कंसेंट टू फॉर्म अ पर्टिकुलर बैंक। इसमें प्रोमोटर्स की मर्जी, उनका एग्रीमेंट शो किया जाता है कि वो एग्री हैं एक बैंक बनाने में, परचेज एलोकेटेड शेयर्स, उन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं। एंड थर्ड इज़ वर्क फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, और वो बैंक के बेहतरी के लिए काम करेंगे। सो इन दिस क्लॉज सिग्नेचर्स, नेम्स, एड्रेसेस एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोमोटर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। एंड लास्ट इज़ अल्ट्रेशन, कि अगर इसके अंदर तब्दीली करनी हो तो फिर क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 20 and 21 ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस द बैंक कैन चेंज द क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम विद द सेंक्शन ऑफ कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट या कोर्ट की परमिशन से आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इट बेसिकली इंक्लूड्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस नेसेसरी टू रन द कंपनी एंड टू गवर्न द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर सारे बिजनेस के और बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किए जाते हैं जो कि बैंक के लिए ज़रूरी होते हैं। सो दिस डॉक्यूमेंट नेवर इंक्लूड्स एनी सच रूल और रेगुलेशन विच इज़ अगेंस्ट द मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम के अगेंस्ट कोई भी रूल एंड रेगुलेशन इसमें मेंशन नहीं किया जाएगा। अब इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ कैपिटल एंड इट्स डिवीजन इनटू शेयर्स, के कैपिटल कितना होगा और उसकी शेयर्स में डिवीजन कैसे करेंगे। सेकेंड इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स की टाइप्स क्या होंगी। थर्ड इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर्स। फोर्थ इज़ मेथड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड सो ऑन। देयर आर ऑलमोस्ट 18 to 19 कॉन्टेंट्स। देयर इज़ वन मेजर कॉन्टेंट दैट इज़ द सील ऑफ द बैंक। सील ऑफ द बैंक हम पहले पढ़ चुके हैं कि बैंक में जो है वो शेयर होल्डर सारी डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं करते, तो उसकी जगह उसकी एक सिग्नेचर की स्टैम्प बनाई जाती है जिसको हम सील ऑफ बैंक कहते हैं। एंड लास्ट इज़ द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड रिम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स, और जो उसको रन करेंगे तो उनकी राइट्स, ड्यूटीज़ और उनका मुआवजा इसमें लिखा जाता है। और इसको अल्टर या तब्दील कैसे करेंगे। द शेयर होल्डर्स ऑफ द बैंक कैन चेंज द आर्टिकल्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, बट दिस चेंज शुड नॉट बी अगेंस्ट द मेमोरेंडम एंड ऑर्डिनेंस, कि कंपनीज ऑर्डिनेंस और मेमोरेंडम के अगेंस्ट ना हो। और वो किस तरह से होता है कि आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन, एक स्पेशल करारदाद पास करते हैं जो कि अगर मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट कर लेती है तो ये इसमें अल्ट्रेशन आप कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज द प्रोस्पेक्टस। दिस इज़ बेसिकली एडवर्टाइज्ड फॉर रेजिंग द कैपिटल, ये कंपनी का जो कैपिटल है उसको बढ़ाने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। इन दिस द जनरल पब्लिक इज़ इनवाइटेड टू परचेज द शेयर्स। इसमें पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि वो शेयर्स परचेज करें। इसके अंदर सारी शेयर्स की डिटेल होती है। नाउ मूविंग टू द कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, फर्स्ट इज़ ऑल पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम, सेकेंड इज़ नेम एंड एड्रेस ऑफ बैंक, थर्ड इज़ नेम एंड एड्रेस ऑफ डायरेक्टर्स, फोर्थ इज़ नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑडिटर्स, कंडीशंस ऑन विच द शेयर्स टू बी इशूड,
तो ये सारे आगे 16, 17, 18 पॉइंट्स तक, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी, इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स इसके मेंशन किए गए हैं। एंड लास्ट पे एक लिखा हुआ है सेल ऑफ शेयर्स एट पार डिस्काउंट और प्रीमियम। पार वैल्यू का मतलब होता है कि जितने का शेयर है उतने का ही बेचेंगे, डिस्काउंट का मतलब उससे कम प्राइस पे, और प्रीमियम का मतलब उससे ज़्यादा प्राइस पे। एंड व्हाट इज स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इफ द बैंक इज नॉट इन अ पोजिशन टू सबमिट प्रोस्पेक्टस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि अगर बैंक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपनी प्रोस्पेक्टस सबमिट ना करा सके तो एक और स्टेटमेंट जो है वो इशू की जाती है जिसमें ये सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, और उस स्टेटमेंट को कहते हैं स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सो दीज वर द थ्री इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी, और यू कैन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ बैंक विच यू हैव टू प्रोवाइड टू द रजिस्ट्रार बिफोर इस्टेब्लिशिंग अ बैंक। दिस वॉज आवर टूडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डिस्कस इट विद मी। थैंक यू सो मच।